हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भी हर्ष विजय का और गर्व इस बात का कि आज देवताओं की शक्ति का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इस विजय पर आप सब बधाई के पात्र हैं। देवेंद्र की जय। देवेंद्र की जय। इस युद्ध में सभी देवताओं ने पराक्रम दिखाया। अग्निदेव की जय। वायुदेव की जय। वायुदेव की जय। सभी देवता धन्यवाद के पात्र हैं। हमने इस युद्ध में असुरों को पछाड़कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी शक्तियों का असुरों के पास कोई उत्तर नहीं। देखा नहीं आपने अग्निदेव ने कैसे सारे असुर सेना को आग का कुंड बना दिया था। नारायण नारायण। अब इस शरीर के साथ मुझे अकेला छोड़ दो। जब तक मैं न बुलाऊं महल के इस खंड में कोई नहीं आएगा। जाओ, ये मेरा आदेश है। ओम भीम 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 चामुंडा विजय। 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 ओम भीम भीम इस विजय सभा में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हर्ष भी है और गर्व भी। हर्ष विजय का और गर्व इस बात का कि आज देवताओं की शक्ति का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इस विजय पर आप सब बधाई के पात्र हैं। देवेंद्र की जय। देवेंद्र की जय। इस युद्ध में सभी देवताओं ने पराक्रम दिखाया। अग्निदेव की जय। वायुदेव की जय। वायुदेव की जय। सभी देवता धन्यवाद के पात्र हैं। हमने इस युद्ध में असुरों को पछाड़कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी शक्तियों का असुरों के पास कोई उत्तर नहीं। देखा नहीं आपने अग्निदेव ने कैसे सारे असुर सेना को आग का कुंड बना दिया था। नारायण नारायण। अरे ये असुर क्या हैं? यदि मैं चाहूं तो समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूँ। ऋषिवर नारद, हमारे वायुदेव की आप भी सराहना किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी एक फूंक ने असुरों की सेना को हवा में उड़ा दिया था। वो तो मैंने हल्के से सांस छोड़ी थी। यदि मुझे क्रोध आ जाए तो किसी में सामर्थ्य नहीं जो मुझे रोक सके। मैं संपूर्ण सृष्टि को उड़ाकर पूरे ब्रह्मांड को उथल पुथल कर सकता हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, परंतु भगवान विष्णु भी जानते हैं कि ब्रह्मा की रची सृष्टि को मैं एक क्षण में डुबो सकता हूँ। निसंदेह मुनिवर, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं कि यह युद्ध हम देवताओं ने अपने बल पर जीता है। लेकिन देवेंद्र, ये युद्ध तो आपने। मुनिवर, आप युद्ध के बारे में कुछ न कहें। आप युद्ध कला क्या जाने? आपने कभी हाथ में शस्त्र धारण किया ही नहीं। नारायण नारायण, इतना अहंकार, इतना घमंड। परंतु सारी सृष्टि जान गई है हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम, हमारी शक्ति। आज पूरे ब्रह्मांड में हमारी विजय का उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या हम अपनी विजय पर उत्सव नहीं मनाएंगे? अवश्य मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे।
परंतु देवेंद्र, देवेंद्र मेरी बात तो सुनिए, गंगा मैया की आरती का समय हो चुका है। अरे अग्निदेव, अरे वायुदेव, अरे भैया कहाँ चले? देवेंद्र, देवेंद्र, देवगण, गंगा मैया की आरती का समय हो चुका है। देवेंद्र, गंगा मैया की आरती का समय हो चुका है। देवगण, देवराज। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मैया। इतना अहंकार मैया? नारायण नारायण। कौन सी बड़ी विजय पा ली है देवताओं ने? कौन सा युद्ध जीता है? किसे हराया है युद्ध में? बलि को ना, हिरण्यकश्यप को तो नहीं, शुक्राचार्य को तो नहीं? और इस विजय पर इतना नशा चढ़ गया देवताओं को कि आपकी आरती भी भूल गए हैं मैया। नारायण नारायण। मैया आप मुस्कुरा रही हैं मैया? देवताओं के सक्षम में अपराध पर भी आप मुस्कुरा रही हैं? एक माँ के लिए उसकी संतान का कोई भी अपराध अक्षम्य नहीं होता। माँ का दूसरा नाम ही क्षमा है। देवगण आज अपनी छोटी सी विजय पर बिल्कुल बच्चा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है, परंतु जब उसे विश्वास हो जाता है कि वो स्वयं चल सकता है तो वो अपनी माँ की उंगली छोड़कर चलने का प्रयास करता है। इसका अर्थ ये नहीं मुनिवर कि बच्चा अपनी माँ को भूल गया। वो तो केवल अपने बल पर बिना किसी के सहारे चलने का आनंद ले रहा है। देवता भी वही आनंद ले रहे हैं। परंतु मैया क्या इस आनंद में अहंकार नहीं झांक रहा? फिर भी आप उन्हीं का पक्ष ले रही हैं मैया? हाँ ऋषिवर, मैं जानती हूँ ये अहंकार अल्प समय के लिए ही है। जब अहंकार का पर्दा देवताओं की दृष्टि से हट जाएगा तब सच्चाई उनका मुंह चढ़ाएगी और वो एक छोटे बच्चे की भांति लज्जित हो जाएंगे और सर नीचा किए मेरे पास आएंगे। तो क्या मैं उन्हें दंड दूंगी? नहीं ऋषिवर, पश्चाताप की भावना से जब मन पवित्र हो जाता है तो उस मन पर संस्कार किए जाते हैं, उसका धिक्कार नहीं किया जाता। मैंने तो देवताओं को क्षमा कर दिया है। मैं क्षमा की बात नहीं कर रहा हूं प्रभु। देवी गंगा तो देवताओं को क्षमा करेंगी ही, परंतु क्या देवताओं का अहंकार से ग्रस्त होना उचित है? यदि अग्निदेव, वायुदेव, वरुणदेव ऐसे देवताओं को अपनी विशेष शक्तियों पर अहंकार हो गया तो प्रभु सृष्टि का विकास होना यहीं रुक जाएगा। ब्रह्मा जी ठीक ही कह रहे हैं प्रभु। यदि देवेंद्र स्वयं अहंकारी हो गए हैं तो देवता और दानों में अंतर ही क्या रह जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये देवता कैसे भूल सकते हैं कि असुरों पर जो उन्होंने विजय पाई है वो अपने बल पर नहीं, देवी गंगा के आशीर्वाद के कारण। प्रभु, देवी गंगा भी आप ही का अंश हैं। उनके पास प्रदान किया गया आप ही का महाअस्त्र है और उस तेजस्वी महाअस्त्र का नाम है क्षमा। और यह क्षमा का महाअस्त्र उसी के पास होता है जो महाबलवान है, जो सर्वश्रेष्ठ है। परंतु इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, वरुणदेव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे हैं इससे पहले कि अहंकार में आकर वो कुछ अनुचित कर बैठे, उन्हें ताड़ना चाहिए प्रभु, नहीं तो वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगेंगे और ये आपका अपमान होगा। हे ब्रह्मदेव, वे अज्ञानी हैं, परंतु मेरे विचार में उन्हें थोड़ा दंड देना आवश्यक है। हे महादेव, आप तो भली भांति जानते हैं
कि देवी गंगा ने उन्हें क्षमा कर दिया है। फिर भी प्रभु, उनके अज्ञान का नाश करके, उनके अहंकार को मिटाकर उन्हें सत्य का ज्ञान तो करा ही दीजिए। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, देवी गंगा ऐसी मां है जो अपनी संतान का बुरा और भला जानती है और जो भूले भटकों को उचित मार्ग पर ला सकती है। तो हमें व्यर्थ ही चिंताग्रस्त होने की क्या आवश्यकता है? आप चिंता छोड़ दीजिए ऋषिवर, माँ अपनी संतान को बहकने नहीं देगी। मैं देवताओं को सत्य के दर्शन करा दूंगी। प्रणाम मातेश्वरी। तेरी लीला अपरंपार है। सब प्रबंध ठीक है? हाँ, अब राजा देवेंद्र की सवारी आ सकती है। चलो चलकर उनको सूचित करते हैं। हाँ। सारा प्रबंध बढ़िया हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक है। अरे ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई? देवेंद्र की सवारी आने वाली है, चलकर इसको हटाते हैं यहाँ से। चलो चलो। ए लड़की, ये राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग है, राजमार्ग। यहाँ राजा की सवारी आने वाली है, रास्ता छोड़ो। तोड़ू? यहाँ मैं क्या तोड़ू? यहाँ तो तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सर तोड़ू क्या? लगता है कम सुनती है। अरे कम क्या, बिल्कुल नहीं सुनती है। फिर भी इसे रास्ते से हटाना तो पड़ेगा ना। देखो यहाँ राजा की सवारी आने वाली है। मारी जाने वाली है? कौन मारी जाने वाली है? मेरी माँ। तुम यहाँ से हट जाओ। अच्छा अच्छा, बैठ जाऊ? वैसे तो मुझे नहीं बैठना था, लेकिन तुम कहते हो तो बैठ जाती हूँ। ये लो। अरे ये क्या समझ गई? देखो तुम यहाँ से जाओ। जाओ? क्यों जाओ? ओहो, मैंने कहा ना यहाँ राजा की सवारी आने वाली है। अच्छा ठीक है। पहले मैं अपनी बकरी को घास खिला दूं, फिर चली जाऊंगी। अरे तुम अपनी बकरी को घास कहीं और ले जाकर खिलाओ। हाँ तुम यहाँ से जाओ। गाओ? हाँ। अच्छा अच्छा, वैसे तो मुझे गाना नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मैं गा देती हूँ। हमारे पास समय नहीं है। अरे समय नहीं है तो इसको स्वर्ग लोक से उठाकर फेंको यहाँ से। चलो चलो। अरे ये तो कोई मायावी लड़की लगती है। चलो चलकर अग्निदेव को बताते हैं। चलो तुम दोनों राजमार्ग की सुरक्षा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो राजमार्ग की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ही निभा रहे थे, परंतु 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 क्या? एक लड़की ने हमें अपने हाथ से अंतरिक्ष में उड़ा दिया। क्या? एक लड़की ने? हाँ। तुम्हें? इसको भी। हाँ। तुम दोनों को? हाँ। एक हाथ से अंतरिक्ष में उड़ा दिया? देव ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये मायावी लड़की है। मायावी? मायावी? वो देखिए रास्ते के बीचों बीच बैठी अपनी बकरी के साथ। चलो मैं उसे अपने हाथ दिखाता हूँ। चलो 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 चलो। हुँ।
देखा देव, बकरी को घास खिला रही है, आपको तो घास ही नहीं डाल रही है। मेरा मतलब है आपको कोई महत्व ही नहीं दे रही है। ए लड़की, देव ये ऊंचा सुनती है। ए लड़की, कौन हो तुम? मैं भीलनी हूँ। या स्वर्ग लोक में क्यों आई हो? अपनी बकरी को घास चराने। बेचारी बहुत भूखी है। पता है मैं असुर लोक भी गई और नाग लोक भी गई, लेकिन इसका पेट ही नहीं भरा, इसीलिए यहाँ आ गई। वैसे ये कौन है? अरे इनको नहीं पहचानती, ये अग्निदेव हैं। अग्निदेव कौन से जीव? जीव नहीं, अग्निदेव हैं। प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम? मैं किसी को प्रणाम व्रणाम नहीं करती। हाँ अगर प्रणाम करना है तो आप मुझे प्रणाम कर सकते हैं, मैं आपको आशीर्वाद भी दूंगी। तुम मुझे आशीर्वाद दोगी? जानती हो मैं कौन हूँ? एक पल में सारे ब्रह्मांड को आग लगाकर राख कर देने की शक्ति है मुझ में। शक्ति? भक्ति? किसकी भक्ति? ओहो, भक्ति नहीं, शक्ति, शक्ति। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बकरी का पेट भर जाए तो मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है? हटाओ इस बकरी को, हटाओ और उठाओ उस लड़की को। तुम मुझे यहाँ से नहीं उठा सकते। तुम इतनी भारी हो, तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। हाँ है, अभी तो तुमने कहा था कि तुम पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकते हो। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ तो जाने। वैसे ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है, तुम अगर एक तिनके को भी जलाकर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। तुम अपमान कर रही हो। हाँ। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक नई दृष्टि देना चाहती हूँ। दृष्टि? दृष्टि तो मैं तुम्हें देता हूँ। देखो मैं इस तिनके को कैसे जला देता हूँ। देवी मुझे क्षमा कर दो, आप निश्चय ही कोई सामान्य भीलनी नहीं है, आप अवश्य कोई भगवान का अंश हैं। मुझे क्षमा कर दो।